नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना जीवाजीगंज को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने चित्रगुप्त मंदिर के पीछे से डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये 5 आरोपी किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में थे। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसमें 5 मोटरसाइकिल, 2 देसी पिस्टल, 2 राउंड, 2 खटकेदार चाकू, 1 तलवार और डंडे बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ, विगत दिनों इन्हीं आरोपियों ने उज्जैन के काल भैरव मंदिर के पास झारखंड के श्रद्धालुओं से लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से पुलिस ने लूटे हुए सोने के गहने भी बरामद किए हैं। झारखंड के श्रद्धालुओं का चुराया था बैग। 27 जनवरी को गढ़कालिका क्षेत्र में काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए ई रिक्शा से जा रहे झारखंड के कुछ श्रद्धालुओं का बैग आरोपी सचिन और महेश ने चुरा लिया था। बैग में रखा सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, मोबाइल फोन और अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। इसके अलावा आरोपी राहुल से एक मोटरसाइकिल, राहुल और सूरज से भी चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इन 5 की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा टीम को 10,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें, शातिर बदमाश पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की माने तो इनमें से 2 लोग, महेश और सचिन, दोनों ही शातिर अपराधी हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। इन 5 के अलावा एक और अपराधी था जो की पुलिस की कार्यवाही से पहले ही फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने इन सभी 5 आरोपियों पर चोरी के साथ साथ डकैती की योजना बनाने का प्रकरण भी दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 399 और 402 में FIR दर्ज कर आज आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगी है। पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा अभी हाल में जो घटनाएं कुछ हुई थी उनको ट्रेस करने के लिए एक टीम लगाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी दिवाजीगंज श्री मनीष मिश्रा की टीम को ये सफलता मिली है। अभी हाल में ही जो गढ़कालिका मंदिर है उस क्षेत्र में एक जो घटना हुई थी, जिसमें एक बैग अज्ञात आरोपियों के द्वारा उसको काटा गया था और उस आधार पर थाना दिवाजीगंज में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसी की तलाशी में जब टीम, क्योंकि ये घटनाएं शाम को करते थे, इसलिए कल जब ये जो थाना जीवाजीगंज की टीम उसमें लगी हुई थी, जिसका जो 2 इंचार्ज हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उसमें प्रमोद और नेहा जाधव, उनके द्वारा उसमें दोनों लोगों ने मिलकर ये कार्रवाई की है और इसमें कुल 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। इस 5 आरोपियों में एक आरोपी इसमें फरार हो गया है और 5 आरोपी जो पकड़े गए हैं उनके कब्जे से, उनके पूछताछ में कुल 5 मोटरसाइकिल मिली है। इसके अलावा इसमें 1 तलवार, 2 चाकू और 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। और जब इनसे पूछताछ हुई तो 27 जनवरी को जो घटना एक हुई थी, जिसमें झारखंड के जो दर्शनार्थी थे उनके साथ में एक बैग जो छीनने वाली घटना हुई थी, उसका खुलासा हुआ है। उसमें जो घटना में जो उनका मंगलसूत्र है, इसके अलावा जो अंगूठी है और मोबाइल बरामद हुए हैं। इसमें से एक आरोपी रतलाम जिले में 376 में वॉन्टेड था, वहां का एक फरार आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। सभी गिरफ्तार हुए आरोपियों के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसमें से मारपीट लूट के भी अपराध पंजीबद्ध है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जो अन्य घटनाएं हैं, चाहे वो बैग छीनने वाली हो या मोबाइल, उस संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।